देखो बेटा, इस सवाल में कहा गया है कि आपके पास दो वेक्टर हैं जिनका जो आपका सम है, दो वेक्टर के सम का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के भी बराबर है और वेक्टर बी के भी मैग्नीट्यूड के बराबर है। निकालना क्या है आपको? ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसको बेटा दो भाग में लेके चलो। पहले भाग में इसको ये लेके चलो, ए वेक्टर बी वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड ए के बराबर। क्या मिलेगा बेटा इससे आपको? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एम आई राइट? इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया। रूट को हटाना है तो बोथ साइड इक्वलिटी है, सेम काम करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो आपको लगेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट हट गया, बराबर ए स्क्वायर। जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, माइनस हो जाएगा और आपके पास बचेगा बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बी आपको दिक्कत कर रहा है, हमने कहा दो पार्ट में लीजिएगा, पहले पार्ट में इसको लिया और दूसरे पार्ट में इसको लीजिएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एम आई राइट? इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी के, यानी जहां जहां बी है वहां वहां आप ए लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2b की जगह ए cos थीटा इज इक्वल टू 0। काम बन गया। इसको बेटा फिर इधर ले आइए तो हो जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा, इसको आप उधर ले जाइए, माइनस ए स्क्वायर। एंगल निकालना है, cos थीटा निकाल लीजिए अपॉन, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में आ जाएगा, काम बन जाएगा। आपने कहा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 और ये आप जानते हैं cos 120, cos cos हटा दीजिए, थीटा बराबर 120। तो देखो बेटा कितना आसान था, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है तो ऐसे सूरत हाल में एंगल बिटवीन टू वेक्टर 120 होगा।